दोस्तों कल की मूवी ने जब से यहाँ पर जो है वो भाई साहब अपने राइट्स को सोल्ड आउट किया है, तब से जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मचती हुई देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो कि एस राजामौली ने बोला है कि आप जब कल्कि को देखोगे तो यहाँ पर RRR और यहाँ पर बाहुबली जैसी मूवीज़ को भूल जाओगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कि एस राजामौली खुद ऐसा बोलते हुए देखने को मिल रहे हैं। और भाई साहब यहाँ पर कल्कि को मैन वर्ल्ड वाइड रिलीज़ किया जा रहा है, और उसी के जो यहाँ पर OTT राइट्स थे उसको कि यहाँ पर बहुत ही भारी कीमत के अंदर सोल्ड आउट किया गया है। देन यहाँ पर थिएट्रिकल राइट्स को भी देखें तो वो भी नेक्स्ट लेवल जो कि यहाँ पर कीमत के अंदर शो आउट किए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो भाई साहब साउथ OTT राइट्स के जो है यहाँ पर 200 करोड़ मिले हैं, हिंदी OTT राइट्स के जो कि 175 करोड़ मिले हैं, जो कि यहाँ पर नेटफ्लिक्स को सोल्ड आउट हो चुके हैं। उसके अलावा हिंदी थिएट्रिकल राइट्स की बात करें तो यहाँ पर 135 करोड़, तेलुगु थिएट्रिकल राइट्स की बात करें तो यहाँ पर 200 करोड़, अदर थिएट्रिकल राइट्स जो है वो यहाँ पर 55 करोड़ रुपए के अंदर जो कि यहाँ पर भाई साहब सोल्ड आउट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सैटेलाइट्स और ऑडियो राइट्स जो हैं वो 125 करोड़ के अंदर सोल्ड आउट होते हुए दिखाई दिए। ये एक अलग ही लेवल का क्रेज बनता हुआ देखने को मिला है, और कल्कि ने बहुत ही नेक्स्ट लेवल हाइप क्रिएट की है। उसके अलावा यहाँ पर कल्कि को बोला जा रहा है कि जुलाई 2024 के अंदर जो कि रिलीज़ किया जाएगा। देन यहाँ पर जो कि इस मूवी का जो बजट था वो 600 करोड़ था, लेकिन अब जो कि यहाँ पर इस मूवी ने अपने बजट को तो जो कि रिकवर कर लिया है। कहीं ना कहीं जो कि ये मूवी एक अलग ही लेवल का क्रेज सेट कर देगी और यहाँ पर जो कि रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। बाहुबली और RRR के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी टूटते हुए देखने को मिल रहे हैं इसी के साथ। उसके अलावा प्रभासना का जो पावर है वो अब देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई साहब वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी और ओवरसीज के अंदर प्रभासना की जो फैन फॉलोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल है। ऊपर से सुनाई तो ये भी दे रहा है कि बहुत ही बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं उनका कैमियो होने वाला है इस मूवी के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो कि पार्ट टू के अंदर सारे एक्टर्स एक साथ देखने को मिलेंगे। तो ये दोस्तों जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा जो कि फैंस को एक्साइटेड कर रही है, उसी वजह से जो कि यहाँ पर भाई साहब कल्कि मूवी इतनी ज़्यादा महंगी बिकती हुई देखने को मिल रही है। तो कल्कि मूवी बहुत ही अच्छे लेवल का प्रॉफिट बना सकती है। अब देखते हैं क्या सीन्स करती है, कितने लेवल तक जाती हुई देखने को मिलती है, ये देखने बाकी है। आपको क्या लगता है कल्कि मूवी कहां तक जो कि यहां पर रिकॉर्ड तोड़ेगी, ये कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए। वैसे यहां पर अगर कल्कि मूवी के VFX और स्टोरी के अंदर दम हुआ तो भाई साहब कल्कि मूवी नो डाउट 2000 करोड़ रुपए की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसको टच करके जो कि यहाँ पर इतिहास रच देगी। अब देखते हैं क्या सीन्स होते हैं, इंडियन सुपर हीरो भैरवा यानी कि प्रभासना की मूवी कल्कि कहाँ तक जाती हुई देखने को मिल सकती है। आपका क्या ख्याल है इस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में जाके बता दीजिए। ये छोटी सी वीडियो थी यहाँ पर कल्कि मूवी के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद होगी, और अगर आप यहाँ पर कल्कि या फिर प्रभासना की अपकमिंग मूवीज़ के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम यहाँ पर हर एक अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। उसमें मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए। कि वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण, राधे राधे।